फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू कृति पटेल सीरियल चैनल और मैं कृति पटेल आप सबका बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बड़े ही मजे में होंगे। तो आज अगेन मैं आप लोगों के लिए एक मस्त वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और आज का वीडियो अगर आप डाइट पे हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि आज मैंने अपनी डाइट जर्नी का एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे आपको ना तो इसे कुछ बनाने के लिए ना तो आपको कुकटॉप की ज़रूरत पड़ती है, ना तो गैस की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें इसे फ्राई करना है, ना हमें इसे बॉयल करना है, ना हमें इसे रोस्ट करना है। फटाफट से 5 मिनट में आप इसे बना के पूरा लंच डिनर एंजॉय कर सकते हो, वो भी इतनी सारी वेजिटेबल्स के साथ। यहाँ पे मेरे पास जितनी जितनी वेजिटेबल्स थी मैंने इसका यूज़ किया है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स है तो आप इसे ऐड कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो फिर भी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन पर और ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड यस ऑफ कोर्स, अगर आप पेज पे फेसबुक पेज से मुझे देख रहे हो तो आपको मेरे पेज को करना है फॉलो, और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ही फ्री है, तो आप कर सकते हो। आप चाहो तो यूट्यूब पर ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हो, वहाँ पर भी मेरे वीडियोज आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, स्टार्ट करते हैं हमारा रेसिपी। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है ऐसा वाला एक बड़ा बाउल। आपको कोई भी बड़ा सा बर्तन चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स करने वाले हैं। और ये इस रेसिपी को आप दो तरीके से बना सकते हो, डाइट के लिए भी बना सकते हो और विदाउट डाइट के लिए भी बना सकते हो। मैं अभी डाइट के लिए बना रही हूँ, उसके बाद बिना डाइट के लिए कैसे बनाते वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हूँ, तो वीडियो भी बने रहिए। सबसे पहले हम लेंगे मुरमुरे। हाँ, इसका सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स यही है। कभी कभी क्या होता है कि हम डाइट करते हैं तो बहुत भूख लगती है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा तो खा नहीं सकते। कभी कभी डाइट में हमें सिर्फ सलाद खाना पड़ता है, तो सलाद भी ऐसा लगता है कि यार अभी हर रोज़ एक ही चीज़ खाना ना मतलब दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा कुछ नई इनोवेटिव रेसिपी आपको शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कटोरी मुरमुरे, यहाँ पे ले लिया है 2 कटोरी मुरमुरे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी हम सलाद खाते हैं तो बात आती है कैबेज की। हाँ, आप इस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास ऐसी स्पेस नहीं थी जहाँ पे रख के मैं वीडियो बनाऊँ। प्लेटफॉर्म पे लाइटिंग अच्छी नहीं आती है तो वीडियो की क्वालिटी बहुत मतलब डल हो जाती है ना, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ये मेरा स्विंग मशीन है तो आप इसे अवॉइड करना, वीडियो को ही देखना। इसके साथ सबसे पहले मैंने लिया है ये चॉप्ड कैबेज। आप इसको बारीक बारीक कट भी कर सकते हो, आप इसको मिक्सर में पल्स मोड पे भी कर सकते हो और चॉपर में भी कर सकते हो। मैंने इसको मिक्सर में पल्स मोड पे किया है जस्ट बिकॉज कि कम टाइम में बनाना होता है, और वर्किंग जो होते हैं ना लोग, वर्किंग वुमन होती है, कई बार हम बैचलर्स होते हैं, भूख इतनी ज़्यादा लगी होती है कि टाइम नहीं होता है हाथ से करना। तो हमने क्या किया कि इसका एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया, हमने इसे मिक्सर में पल्स मोड पे पहले इसके रफली टुकड़े कर लिए, इसको पल्स मोड पे लगा लिया। आप चाहे आपको जितना कैबेज अच्छा लगता है उतना डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मुरमुरे लिए हैं, मुझे सलाद डाइट के लिए थोड़ा ज़्यादा लेना था तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 कटोरी कैबेज डाल रही हूँ। इसके साथ आता है ओनियन, यहाँ पे मैं ओनियन ले रही हूँ, वो भी 1 कटोरी है। शायद मुझे लगता है कि मेरा ही बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 बड़े वाले जो टमाटर थे 2 थे, जिसका मैंने अंदर से बीज निकाल दिया है, क्योंकि मुरमुरे में हम डालते हैं ना तो फिर इसके बीज के साथ उसका जो जूस होता है ना, इसकी वजह से मुरमुरे फटाक से लाइक गल जाते हैं, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि रेसिपी की एक खास बात यह है कि आपको इसके लिए ना तो गैस की, ना तो ओवन की, ना तो कुकटॉप की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना हमें इसे सेकना है, ना हमें इसे उबालना है, ना हमें तलना है। सिंपल से इसी तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं, जहाँ पर हम हो सकता है कि तेल भी अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके साथ हम ले रहे हैं टमाटर,
उसके साथ कैप्सिकम, कैप्सिकम का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और कैप्सिकम के साथ मैंने 2 ग्रीन चिली भी इसमें डाल दिया था, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा वाला कैप्सिकम और 2 ग्रीन चिली लिया हुआ है। आपको जितना स्पाइसी अच्छा लगता है आप उतना डाल सकते हो। और ये रेसिपी इतनी अच्छी है, मतलब अगर आप इतना रात के डिनर में खा लेते हो ना, 6-7 बजे हम डिनर कर लेते हैं जब हम वेट लॉस में होते हैं, तो आपको सवेरे तक भूख नहीं लगनी है। और प्रॉपर मतलब आप सलाद ही डिनर में भी ले रहे हो तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके साथ हमें और कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा। इसके साथ मैंने लिया है थोड़ा सा हींग। हींग मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमने सलाद भी लिया है कैबेज। कैबेज थोड़ा सा किसी इंसान को गैस करता है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हींग लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके साथ मैंने 2 चम्मच भर के लाल मिर्च लिया है, इसके अकॉर्डिंगली नमक। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ मेरी डाइट के लिए, तो मैं यहाँ पे तेल को स्किप करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप डाइट खाना नहीं पसंद करते हो, आपको ये अच्छा नहीं लगता, तो आप इसमें 2 चम्मच तेल ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने तेल को स्किप किया है, मतलब इतनी सारी क्वांटिटी बन गई। और अगर आपने ये बाउल भर के डिनर में खा लिया तो आप सच्ची में दूसरे दिन ब्रेकफास्ट भी शायद स्किप कर सकते हो। अब हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर आगे की प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा अच्छे से हो गया है मिक्स, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सा इसका कलर लगता है। और इतना ज़्यादा सलाद है मतलब पूछो ही मत। अब हम करते हैं इसे सर्व। सर्व करने के लिए मैंने लिया है एक ऐसा वाला बाउल, और ये मुझे इसे कुछ डिफरेंट तरीके से सर्व करना है, जस्ट बिकॉज कोई भी रेसिपी होती है ना वो उसकी प्रेजेंटेशन से अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो अगर हम ये चीज़ बना रहे हैं तो खाने में भी हमें बहुत ही मज़ा आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बाउल में पूरा हमें भरना है। अब इसको थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये प्लेट को हम रख देंगे यहाँ, और अब हम इसे यहाँ पे, ये हमारा रेसिपी बन के रेडी है, मुरमुरे की बेल, वो भी डाइट वाली। अगर आप प्रॉपर डाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑयल को अवॉइड कर लेना। इसके ऊपर थोड़े से हरे पत्ते धनिए के डाल के आप इसको सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगता है। मेरे पास अभी धनिया पत्ता नहीं था तो मैं अभी इसे स्किप कर रही हूँ। अब हम टेस्ट करते कैसा बना है, अब हम टेस्ट करते कि ये कैसा बना है। मतलब क्या होता है कि हम हर रोज़ डाइट वाली रेसिपी खा खा के उब जाते हैं, तो कुछ नई चीज़ें इनोवेटिव होती है जो खाने में भी अच्छी रहती है, डाइट में भी अच्छी रहती है। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। कैसा लगा कमेंट करके बताना, एक बार अपने घर पे ज़रूर बनाना, यह बहुत ही मस्त लगता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल अलग से नए कंटेंट नए वीडियो के साथ मिलते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल।